को भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निजी बिल पेश किया गया और बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल ने बिल को सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल का विरोध किया और बिल से सामाजिक का ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा, इसकी दलील दी गई है। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि बिल से देश की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। वहीं जब इस बिल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे बिल का हमेशा विरोध करते रहेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दोनों सपा नेताओं के बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेलजोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी है उसी रास्ते पर चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था और सारे विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कई कारण और वैधानिक, मैंने कहा, मैंने संविधान को कोट किया, ये विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया रहा है ये अपने आप संविधान के खिलाफ है। हमारी संस्कृति, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सबको बर्बाद करने के लिए सब लिए आया जा रहा, देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो आपने सुना, एक तरफ अखिलेश यादव ने खुलकर समान कानून की मुखालफत का ऐलान किया तो दूसरी ओर संस्कृति की दुहाई देकर रामगोपाल यादव ने इसका विरोध किया है। आगे की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी, जिस पर सियासत में इतना बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका हिंदी का अर्थ है समान नागरिक संहिता। यूसीसी का मतलब हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी लागू करना राज्य की जिम्मेदारी। यूसीसी किसी भी धर्म जाति के निजी कानूनों से ऊपर है और देश में अब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। तो ये है पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड और देश में यूसीसी की क्या जरूरत है, आखिर देश को क्यों यूसीसी चाहिए, वो भी आपको बताते हैं। क्यों चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून लागू हो। नंबर दो, निजी कानूनों की आड़ में महिला उत्पीड़न ना हो, इसके साथ ही साथ धर्म के आधार पर महिलाओं से भेदभाव ना हो सके। गोद लेना, जायदाद का बंटवारा संविधान के तहत हो, इसके साथ ही संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकारों का हनन भी रुकेगा। तो क्यों जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं, क्या तर्क दिए जा रहे हैं उसके पीछे वो हम आपको बता रहे हैं। अब इसको लेकर सवाल क्या उठ रहा है, सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, एक देश एक विधान सपा क्यों परेशान। तो जो सवाल उठ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, एक देश एक विधान सपा क्यों परेशान। और मुस्लिम वोट चाहिए इसलिए यूसीसी में खोट दिखाई दे रहा है क्या? यूसीसी का विरोध मुस्लिम वोट की गारंटी है क्या? यह अपने आप में सवाल है। यूसीसी जरूरी या सियासी मजबूरी है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फकरुल हसन जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उत्कर्ष सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हसन साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, दिक्कत कहां आ रही है? आप लोगों ने इसका विरोध किया है, आज मैनपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अखिलेश यादव की, उन्होंने भी कह दिया कि इस तरह के बिलों का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे, हमेशा विरोध होता रहेगा। देखिए 2016 में विधि आयोग का गठन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में, जिसने 2018 में अगस्त 2018 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस कानून की आवश्यकता वर्तमान समय में अभी नहीं है। हाँ, कुछ जो धार्मिक कुरूतियां हैं जिस भी धर्म, किसी भी धर्म में, उसको पहले दूर कर लिया जाए, उस पर काम किया जाए, उसके बाद इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो विधि आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया, वो सरकार, विधि आयोग ने ही इस कानून को लागू करने से मना कर दिया। इसलिए आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी को कहीं खोट नजर आती है, तो बीएस चौहान तो पूर्व रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, विधि आयोग किसी राजनीतिक दल का नहीं था, विधि आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था,
उसी सरकार में उसने रिपोर्ट सबमिट की। तो आखिर विधि आयोग को अगर इसमें कहीं खामियां नजर आई हैं और अगर हमको खामी नजर आती है हाँ। तो ये कहना कि हम मुस्लिम वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम समझते ये सही नहीं है। देश का संविधान सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देता क्या है, खामी ठीक है। आप मुझे बताइए ना कि ये लागू हो गया तो दिक्कत क्या होगी, जरा ये समझाइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए विधि, ये तो विधि आयोग को बताना चाहिए था। विधि आयोग ने पूरी रिपोर्ट सबमिट की है, विधि आयोग ने बताया है कि क्या क्या परेशानियां आएंगी। एक धर्म जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन है, बौद्ध है और पारसी धर्म है, जितने धर्म है ये धर्म, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ एक अगर देश के एक हिस्से में कोई धर्म के मानने वालों की मान्यताएं अलग हैं तो दूसरे हिस्से में तो एक ही धर्म के मानने वालों की मान्यताएं सब अलग हैं। तो आप एक कानून क्यों बनाना चाहते हैं? और फिर दूसरी बात यह है कि आप इस कानून को लाके क्या क्या करना चाहते हैं देश में? जो दूसरी समस्याएं आपने तो 2 करोड़ रोजगार के वादे पे सरकार बनाई थी, आपने क्या कहा था कि हम समान नागरिकता संहिता लेके आएंगे, इसके लिए आप सरकार लाए थे। आपने नौजवानों से वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, काले धन का वादा किया था, किसानों से उनकी आय दुगने करने का वादा किया था हाँ। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप मुद्दों को उठा के लेके आते, जिन मुद्दों को, जिस कानून को बनाने के लिए हाँ। आयोग ने मना करा, आप उसके बाद भी उस कानून को लेके आना चाहते हैं? अवनीश त्यागी जी, क्योंकि भाई इतनी खामियां हैं विधि आयोग तक को यहाँ पर गिना दिया, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, और कहा है कि मेन असल मुद्दों से ध्यान उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, मुद्दा ये भी तो है, मुद्दा ये नहीं है क्या कि एक कानून बने, सभी को समान अधिकार हो, सभी की सुरक्षा हो, सभी को कानून की छतरी के नीचे एक जैसी व्यवस्था हो। आपने बताया कि महिलाओं को भी इसमें सुरक्षा मिलेगी, वो पूरे देश में एक व्यवस्था बनेगी, अलग अलग जगह अलग अलग कानून बनेंगे तो व्यवस्था बनने का ज्यादा वजह रहती है। ये कानून बन रहा है तो समाजवादी पार्टी का दरअसल चश्मा है नकारात्मक, उनको तो वजह बेवजह विरोध ही करना है। आपको ध्यान होगा जब टीका बना था वैक्सीन का तो इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने मना कर दिया था कि टीका भाजपा का है, नहीं लगवाएंगे। तो इनको तो विरोध करना है, अच्छा काम होगा विरोध करना है, सरकार कितने भी अच्छे काम करे इनको विरोध ही करना है। और विरोध की नकारात्मक राजनीति केवल वोट लेने के लिए है हाँ। केवल एक विशेष को खुश करने के लिए है हाँ। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि उस वर्ग विशेष के लोग अब जाग गए हैं और इनकी जो मानसिकता है, जो बांटो और डराओ और वोट लो, वो जो मानसिकता समाजवादी पार्टी की है उसको समझ गए हैं लोग। रामपुर का नतीजा, लेकिन त्यागी जी ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो है एक वर्ग का वोट लेना चाह रहे हैं इस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई इतना बड़ा देश है भारत, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। नहीं, इतना बड़ा देश है तो कानून तो एक ही चाहिए ना, ये सबके लिए अलग अलग कानून बनेंगे, हर वर्ग के लिए अलग कानून बनेगा, हर क्षेत्र के लिए अलग कानून बनेगा, तो देश एक कैसे रहेगा, कैसे मजबूती रहेगी? सब अलग अलग तरीके से चलेंगे तो व्यवस्था कैसे बन पाएगी? व्यवस्था कैसे बन पाएगी हसन साहब? भाई ठीक है, एक देश एक कानून होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। ये फखरुल हसन, भारतीय जनता पार्टी से एक मेरा छोटा सा सवाल है और ये जो समाजवादी पार्टी पार्टी से बहुत छोटा सा मासूम सा सवाल है कि भारत के प्रवक्ता मुझको ये बता दे कि गौ हत्या पे पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं? आप समान कानून की बात करते, पूरे देश में एक समान कानून की बात करते, हम तो आपसे कब से मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या पे आप पूरे देश में एक समान कानून लागू कर दीजिए। तब तो आप बहाने ढूंढते हैं, तब तो आप क्षेत्र की बात करते हैं, तब तो आप परंपराओं की बात करते हैं, लेकिन जब आपको हिंदू मुसलमान कहीं देख करने को मिल जाता है तब आप कानून सहारा लेते हैं। आपकी ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 2016 में ये समाजवादी पार्टी ने विधि आयोग का गठन नहीं किया था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में विधि आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में विधि आयोग का गठन हुआ, मोदी जी की सरकार में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस कानून की आवश्यकता नहीं। तो आपको बताना चाहिए कि आप ये दोहरी मानसिकता क्यों, ठीक आप समाजवादी पार्टी पे इसके ठीक है। उत्कर्ष जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। उत्कर्ष जी, अब इसको कैसे समझा जाए भाई, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, आ रहा हूं त्यागी जी पूरा समय दे दूंगा, एक सेकंड रुक जाइए। उत्कर्ष सिंह जी, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, बीजेपी कह रही है कि लाना जरूरी है, देश में देश को इसकी जरूरत है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए ये मसला बहुत पॉलिटिकल मसला है
और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के दिन से, या ये कहिए कि जब भारतीय जनसंघ हुआ करती थी तब के जमाने से, कॉमन सिविल कोड की बात करती है। दूसरी पार्टियां इसका विरोध करती हैं। दोनों के अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का तर्क हमने सुन लिया। दूसरी पार्टियों का, अभी अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे कि विधि आयोग की आड़ ले रहे थे। हाँ। लेकिन ये उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर जाके भी देखिए, ये चूंकि ये यूपी का सवाल नहीं है, भारत के भीतर आईपीसी और सीआरपीसी दो कानून हैं जहां पर कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपनी जगह पे है। अब पर्सनल लॉ के ऊपर बात जब आके टिकती है तो सिखों का पर्सनल लॉ, आदिवासियों का पर्सनल लॉ, नॉर्थ ईस्ट का, क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है यहां पर जी। अब दिक्कत क्या हो रही है, हाँ, कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये एजेंडा बनता है हिंदू मुसलमान का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये एजेंडा बन जाएगा क्रिश्चियनिटी के लिए, पंजाब में ये एजेंडा बन जाएगा सिखों के लिए। सो पॉलिटिकली जो हिंदुस्तान की इस वक्त की सिचुएशन है उसमें ये सिर्फ डिबेट में आ सकता है। हाँ। अगर ये लॉ में आए, हाँ, तो भाई लॉ कमीशन ही जब इसको रोक चुका है, हाँ, तो लॉ में आ नहीं सकता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह कि अभी अमित शाह साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि वो अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। भाई संविधान का 12वां अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य का मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें। हाँ। तो राज्य के भीतर अगर ये एजेंडा आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, लेकिन पॉलिटिकली गेनर है। पॉलिटिकली गेनर है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ। सो अब जबकि 2024 का चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है, तो इन मसलों को पॉलिटिकल डिबेट में लाना है। हाँ। और ये पॉलिटिकल डिबेट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वोटों का कंसोलिडेशन अपनी अपनी जगह होगा। तो समाजवादी पार्टी यूपी में अपोजिशन है, वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रही है, बीजेपी इसको कर रही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, उसके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इसको लागू कर पाए। अवनीश त्यागी जी, जवाब दीजिए जरा। केंद्र सरकार इसको नहीं कर सकती। सिंह जी कह रहे हैं इसका जरा जवाब दीजिए। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको मानते हैं कि पॉलिटिकल विल तो होनी चाहिए ना। देश में एक अगर एक कानून होगा, समान नागरिक संहिता लागू हो